अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको ये रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई नई एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। एक बहुत ही बड़ी जो स्टूडेंट बार बार गलती कर रहे हैं, मैंने आपको वीडियोज़ के अंदर बताया भी था कि आप लोग बी एस के फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो जिन सब्जेक्ट में आपने बी एस सी या बी ए किया हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि बी एस सी आपने मैथ में की हुई है और आप बी एस फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का पढ़ा है बी एस सी के अंदर, कंपलसरी सब्जेक्ट 200 मार्क्स वाला जो है, आपने उसी में जो है वो आगे बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई करना है। ये देखिए, कुछ स्टूडेंट का ये इशू आ रहा है जी कि उन्होंने आप बोला है जी कि आप माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायो केमिस्ट्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन दियर एसोसिएट डिग्री। ठीक है, यू अप्लाइड फॉर एडमिशन बी एस फिफ्थ सेमेस्टर एज पर एडमिशन पॉलिसी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए आपने अगर तो आपने माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं फिर ही आप बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए उन्होंने लिखा जी, इन एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बी एस फिफ्थ सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर। इस बच्चे ने ना तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है और ना ही जेनेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है और ये अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं जी कि आप इन एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप आगे केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, अगर फिजिक्स पढ़ी है मैथ पढ़ी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब ये नहीं है कि जनरल मैथ पढ़ के आप जो वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में अप्लाई करना, ये ऐसे ही है जैसे आप एम ए एम एस सी करते थे। ठीक है, जस्ट नाम चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें सारा कुछ वही है। तो इसलिए जो आपने सब्जेक्ट बी ए बी एस सी में पढ़ा है उसी सब्जेक्ट में बी एस के फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई करिएगा, गलती ना करिएगा। ठीक है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और सक्सेसफुल ग्रेजुएट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।